हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग मिशन मैथमेटिक्स क्लास 9 की जो एक्टिविटी सीट लाइंस एंड एंगल्स की है 19/8/2023 की, इसके बारे में बात करेंगे। आज का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें वेरीफाई करना है एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे वो हमेशा बराबर होंगे, जो सेम दो एडजेसेंट एंगल होंगे उनका सम 180 होगा, जो चार एंगल होंगे उन सभी का सम 360 होगा। आपको इसके लिए एक कार्डबोर्ड, एक वाइट पेपर, एक आपको प्रोटेक्टर, फुल प्रोटेक्टर लेना है बेटा, याद रखना 360 वाला ना, एक नेल ले लेनी है, इसके बाद एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप्स ले लेनी है कुछ जो ए बी और सी डी का काम करेंगी। आपको सबसे एक कार्डबोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड का पीस लेकर उस पर क्या कर लेना है, उस पर फुल प्रोटेक्टर जो है चिपका देना है। चिपकाने के बाद क्या करना है, उसमें मार्क कर लेना है ओ को, और ओ पर जाकर दोनों स्ट्रिप्स को जो है नेल के थ्रू क्या कर देना है, चिपका देना है। अब इन स्ट्रिप्स के अपोजिट साइड के एंगल को चेक करिए, वर्टिकली एंगल्स को कंपेयर करिए, इन सभी को आपको कंपेयर कर मेज़र करके लिखना है। जैसे आप देखो यहाँ पर क्या कहा गया, ऊपर देखो आपको बनाकर दिया गया है ऐसा ही सब कुछ, और आपसे कहा गया है यहाँ मेज़र करने को। ए ओ डी अगर आप यहाँ पर मेज़र करोगे, ये देखो ए ओ डी अगर आप मेज़र करते हो, ये कितना है 90 है, ए ओ डी कितना निकल कर आ रहा है यहाँ पर 90 निकल कर आ रहा है। इसी तरीके से ए ओ सी अगर आप मेज़र करोगे तो ये भी कितना है 90 है, कितना है बेटा 90 है। इसी तरीके से अगर आप सी ओ बी को मेज़र करोगे तो ये भी कितना निकल कर आएगा 90 निकल कर आएगा, और इसी तरीके से अगर आप बी ओ डी को मेज़र करोगे तो ये भी कितना निकल कर आएगा, ये भी 90 निकल कर आएगा। अगर ए ओ सी और ए ओ डी का आपस में सम कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, याद रखना हमेशा 180 होगा। इसी तरीके से यहाँ भी कितना होगा 180 होगा, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, और यहाँ भी कितना हो जाएगा बेटा 180 हो जाएगा। इन चारों का अगर सम कर देंगे तो चारों का करने पर कितना आएगा 360 डिग्री आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद देखो वेरीफाई करना है इस एक्टिविटी को कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होती हैं ये हमेशा कैसे होती हैं, हमेशा हमेशा बेटा इक्वल होती हैं। जो दो एंगल्स का सम होगा वो कितना होगा 180 होगा, और चारों का कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। देखो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।